हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार समाधान स्टडी में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी जो है कोरोना वायरस, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोरोना वायरस के चलते अभी 9th और 11th, ठीक है फ्रेंड्स, 9th और 11th के रिजल्ट अभी जो है फ्रेंड्स ऑफलाइन आते थे, बट यह वायरस के प्रभाव के कारण अभी सभी 11th 9th और 11th के रिजल्ट क्या है फ्रेंड्स, ऑनलाइन आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप लोग फ्रेंड्स इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि फ्रेंड्स यह जानकारी सभी स्टूडेंट को मिलना चाहिए जो ऑफलाइन वेट कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट आने वाला है। तो फ्रेंड्स ऑफलाइन आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आज की कंडीशन में फ्रेंड्स आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑनलाइन। तो ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्टिंग से वीडियो में बने रहिए और देखिए फ्रेंड स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से जो है जो लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि आपका जो है रिजल्ट ऑनलाइन आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स यह ऑफिशियल नोटिस है, तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, आपका रिजल्ट आप तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी यह सुनना है और देखना है और इसे फॉलो करना है कि किस तरीके से आपका अपना रिजल्ट आप लोग देख सकते। देखिए फ्रेंड्स 20 दिन को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें लिखा गया है कक्षा 9वीं और 10वीं के स्थानीय परिणाम परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। मतलब फ्रेंड्स यह जो है सभी जो रिजल्ट है पोर्टल पर अभी अवेलेबल होंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पर क्या लिखा गया है इस नोटिस में। तो देखते हैं फ्रेंड्स सब कुछ पढ़ा जाएगा और सब कुछ आपके लिए बताया जाएगा। तो चलिए बने रहिए फ्रेंड्स और स्टेप बाय स्टेप आपको देखिएगा। चलिए, राज्य में स्वास्थ्य एवं लोक हित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है फ्रेंड्स, वायरस का नाम लिखा है, वह उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु विद्यालयों के एक स्थान से विद्यार्थियों के समूह को एकत्रित उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उपरोक्त उक्त बीमारी के स्वाभाविक खतरे को रोकथाम करने के लिए उद्देश्य से एहतियात के रूप में राज्य शासन आदेश दिनांक 13/3 के अनुसार विद्यालयों के आगामी आदेश तक विद्यार्थियों के अवकाश घोषित किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब आगामी जो 13 तारीख जो 13/3 था, ठीक है फ्रेंड, तब से आपके जो है विद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया गया है, यह आपको पता ही होगा। तो आपको फ्रेंड्स इसी बीच में रिजल्ट आना था, तो फ्रेंड्स रिजल्ट आने के लिए अब क्या कहा है इन्होंने, देखिए स्थानीय कक्षा 9वीं और 11वीं परिणाम 31 दिन को घोषित करने के निर्देश दिए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता दूं जो भोपाल द्वारा जो लोक शिक्षक संचालनालय था उसके द्वारा 31 दिन को जो है ऑफलाइन रिजल्ट घोषित करने मतलब प्रोवाइड करने को लिए कहा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। बट जो है यह कोरोना वायरस के कारण से यह जो रिजल्ट है घोषित नहीं किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। विद्यालयों में अवकाश के कारण अब परिणाम जो है ऑनलाइन घोषित होगा। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि जो यह परिणाम है आपके लिए ऑनलाइन घोषित किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसकी साइट दी हुई है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी साइट दी गई है। तो ठीक है, अब थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको साइट में, मैं आपको साइट में भी ले जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना रिजल्ट देखना है। एक उपलब्ध, चलिए यह साइट दी है, पर उपलब्ध हो इसके लिए समस्त प्राचार्य निम्नलिखित को आपको पीडीएफ, मतलब फ्रेंड्स प्राचार्य ने जो ये साइट है vivimarsh.mp.government.in, यह जो साइट है फ्रेंड्स इस पर जो प्राचार्य है आपके स्कूल के 9वीं और 11वीं वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल जान लीजिएगा, जो आपके पोर्टल पर आपके प्राचार्य ने आज के दिन मतलब 23/3 को जो है अपना रिजल्ट फ्रेंड्स अपलोड कर दिया है, या तो फ्रेंड्स अपलोड होने होने वाला होगा। तो आप लोग को विशेष ध्यान रखना है कि आज पूरा रिजल्ट घोषित हो जाएगा। देखिए और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लास रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको जो रिजल्ट होगा उसमें क्लास रहेगी, रोल नंबर रहेगा, रिजल्ट रहेगा, या आपको सप्लीमेंट्री आएगा तो सप्लीमेंट्री रहेगा, ठीक है। और क्या कहा देखते हैं, विद्यालय में उक्त जानकारी अपलोड करने के उपरांत परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल, देखिए vimarsh.mp.government.in के होम पेज पर उपलब्ध होंगे, ठीक है। विद्यार्थी विकासखंड विद्यालय तथा कक्षा के चयन के उपरांत परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। यह इस आशय में जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराए जाने हेतु स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए तथा विद्यालय में सूचना पटल प्रदर्शित किए जाए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा है आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स।
बिल्कुल सही और सत्य है फ्रेंड्स यह। चलिए मैं आपको बताऊंगा कि अब जो है आपको किस तरीके से साइट पर विजिट होना है, साइट पर किस तरीके से विजिट होना है और अपना रिजल्ट आपको कैसे देखना है। तो चलिए देखते रहिए फ्रेंड्स और बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल आपको देखना है रिजल्ट, बिल्कुल बने रहिए। चलिए मैं आपको साइट अब ओपन करके बताऊंगा। चलिए मैं भाई फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ एमपी बोर्ड क्लास 9th 11th रिजल्ट 2020 दिख रहा है फ्रेंड्स आपको, साइट बिल्कुल ऑफिशियल है। आपको मैं यहाँ पर क्लिक करके बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके लिए क्लिक कर दिया है, देन देखिए फ्रेंड्स आपका जो है रिजल्ट 2:33 पर यह पर साइट पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है मध्य प्रदेश बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल, दिख रहे फ्रेंड्स आपको। देखिए रिजल्ट घोषित हुआ है 13 मार्च को, तो फ्रेंड्स कुछ जो स्कूल है वहाँ का रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है, मतलब वहाँ अपलोड नहीं हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आज ही जो है रिजल्ट पूरा अपलोड हो जाएगा। बढ़ते फ्रेंड्स देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो है फ्रेंड्स, देखिए डाउनलोड यूर रिजल्ट, यहाँ पर साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स कि आपको अपना रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड मिलेगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलूंगा फ्रेंड्स डायरेक्ट जो आपके रिजल्ट के ऊपर। चलिए क्लिक कर दिया मैंने, चलिए फ्रेंड्स आ चुका है साइट। देखिए आप देखिए लिखा है साफ साफ यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए चलिए लिखा है लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल वार्षिक परीक्षा परिणाम 2020। तो फ्रेंड्स यह इस तरीके से आपकी साइट ओपन हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं और इसमें अपने को क्या क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है इसकी स्टेप, देखिए आपको मैं पहले समझा दूं। पहले फ्रेंड्स आपको वार्षिक परिणाम के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेट मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट, जो भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट के होंगे एमपी वाले, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। देन उसके बाद जो ब्लॉक मतलब जो आपका फ्रेंड्स ब्लॉक आता है उसको आपको सिलेक्ट करना है, मतलब फ्रेंड्स आपका तहसील आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है सेकेंड वाले बॉक्स में। चलिए थर्ड वाले बॉक्स में आपको यहाँ सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स आपके स्कूल का नाम, जो भी स्टूडेंट आप जो स्कूल में पढ़ते होंगे तो उसको आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स, अपने स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है। चलिए और आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, जो सिलेक्ट क्लास, तो आपको 9th या फिर 11th जो भी आप लोग क्लास में होंगे तो वहाँ पर अपनी क्लास को लिखना है, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सब कुछ बताऊंगा फ्रेंड्स। चलिए और जो यहाँ पर आपको डिजिट है तो फ्रेंड्स ये डिजिट का आपको सम करके यहाँ पर लिखना है। चलिए मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट वाले बॉक्स में। चलिए फर्स्ट वाले बॉक्स में आपको क्लिक कर दिया फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले मैंने चुना फ्रेंड्स आगरमालवा, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको आगरमालवा चुनना है। चलिए आपको उसका ब्लॉक चुनना है, जैसे कि यहाँ पर चलिए ये हमने ब्लॉक चुन लिया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपको स्कूल चुनना है। चलिए मैंने पहला ही स्कूल चूज कर लिया है, जैसे कि फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको चूज करना है। देन इसके बाद आपको जो 9th में है या फिर आप लोग 10th 11th में, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अपनी क्लास चूज करना है। चलिए मैंने क्लास चूज कर लिया 9th। चलिए 14+3 कितना होता है फ्रेंड्स, 17 होता है। चलिए मैंने यहाँ पर 17 भी लिख चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर मैंने 17 भी लिख चुका है। अब आपको यहाँ पर सबमिट करके बताऊंगा फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबमिट हो चुका है। चलिए इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए आपके जो स्कूल मैंने डाला था, देखिए आगरमालवा का स्कूल है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 9वीं का रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है आपके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा स्कूल का डाइस कोड, मतलब फ्रेंड्स आप जो स्कूल में पढ़ते होंगे उसका डाइस कोड होगा। वार्षिक परिणाम की सूची भी आपको दे दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है रोल नंबर, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, परीक्षा परिणाम, आपके कुल अंक कितने आए हैं, आपका कितना परसेंट बना है और आप लोग कौन सी श्रेणी में आए हैं, ठीक है फ्रेंड, सब कुछ दिया है फ्रेंड। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं और स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आपको जो भी आप लोग स्टेट के होंगे, जो भी ब्लॉक के होंगे, तो वहां पर आपको सिलेक्ट करना है, देन उसे जो है सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी हम लोग दे देंगे, तो आप लोग डायरेक्ट वहां से जो है अपना रिजल्ट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आपको बता दूं जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आपके लिए देते रहे। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी क्लासेस भी चल रही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम यह जो है इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से ला चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।